हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले। देखो, एडमिट कार्ड आ गया, सबको पता है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि एडमिट कार्ड के नीचे जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो कि एग्जाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लिखे जाना है, क्या नहीं लिखे जाना है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे जस्ट कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है। मैंने जितनी भी प्राइवेट चीज़ें थी वो सब चीज़ें हाइड कर दी है, नेम, ईमेल, ये सभी चीज़ें जो है ना, पेरेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ हाइड कर दी, इवन फेस तक, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हाँ, कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में तभी पूछना जो चीज़ इस वीडियो में नहीं बताया गया है। जिस चीज़ के बारे में बता दिया गया है वो फिर वो भी पूछते हो कमेंट सेक्शन में, तो उसका रिप्लाई आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फिर भी चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एयरफोर्स चाहे एक्स की हो चाहे वाई की, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज देते जाओ, डेली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते जाओ। जुलाई स्पेशल टेस्ट सीरीज जो परीक्षा ऐप का है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये जो कोड है एग्जाम ए टू जेड 50, जो भी आपके एग्जाम का डेट है, डेली अब दो दो प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस सेट ये बहुत जरूरी है एग्जाम के टाइम पे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जुलाई स्पेशल तो मतलब है ही ये, ठीक है ना। तो ये परीक्षा ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, और 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। एग्जाम ए टू जेड 50 को कोड यूज़ करो, और 90% से भी ज़्यादा बच्चे परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वो काम आप भी करो, ताकि उनके साथ साथ आपका भी सिलेक्शन हो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं इस पूरे सेशन को हम लोग। देखो, एग्जाम सेंटर के नीचे एक चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको बिल्कुल आप लोग यहाँ पे फिल मत कर लेना। और डेट, प्लेस और कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पे नहीं करना है, साफ साफ लिखा हुआ है, बिलो डिटेल्स टू बी फिल्ड एंड साइंड ऑन द डेट ऑफ एग्जाम इन फ्रंट ऑफ इन्विगलेटर और एट एग्जाम सेंटर, ठीक है। मतलब ये एग्जाम सेंटर पे फिल करनी है। फिर नीचे लिखा हुआ है फॉर द यूज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली, ठीक है। ये भी चीज़ आपको फिल नहीं करनी है, यहाँ पे भी कुछ भी फिल नहीं करना है, सब चीज़ एग्जाम सेंटर पे होगा। और ये रेड कलर से लिखा हुआ है, सब कुछ मैं बताते जाऊँगा आपको, ध्यान से सुनना। मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे, इस इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसने कैंडिडेट के बारे में, प्रिंटेड ऑन द रिवर्स, ठीक है। ये बोल रहा है प्लीज़ प्रेजेंट अ बैक टू बैक प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड एट द एग्जाम सेंटर, COVID-19 गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट अटैच अलॉन्ग विथ एडमिट कार्ड, ठीक है। देखो इसमें क्या करना, मैं चीज़ बता रहा हूँ। जो मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन है, ये जो इंस्ट्रक्शंस का पेज है, यही वाला पेज जो दिया हुआ है, बस उसी को क्या करना है ना, इस एग्ज़ाम वाले एडमिट कार्ड के पीछे जो है प्रिंट आउट करवा लेना है, ठीक है। जो मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस है, ये पिछली बार भी दी गई थी, जिन्होंने नहीं भी कराया था तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन एडमिट कार्ड जो है कलर प्रिंट कराना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और जो COVID-19 का जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, ठीक है, तो उस चीज़ को अलग से प्रिंट करा के एडमिट कार्ड के साथ ही ले जाना है। जितने भी पेज है लगभग सब प्रिंट करा लेना, ओके, मैं ये चीज़ कहूँगा। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है ना कैंडिडेट्स के लिए, तो वो एडमिट कार्ड के जस्ट पीछे वाले पेज पे कराना, ये वाला पेज, ठीक है। और इस पेज में क्या क्या लिखा है वो भी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन, जो भी चीज़ें हैं मैं बता दे रहा हूँ। देखो, पहले पैरा के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप बस वो बताया गया कि एग्ज़ाम मतलब CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, हर एक सही क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिलेगा, गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स कटेंगे, अगर क्वेश्चन छोड़ देते हो तो उसके लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा ये चीज़ कहा गया कि आपको देखो एग्ज़ाम में रफ सीट मिलेगा, उस रफ सीट, ठीक है, मैथ वगैरह बनाने के लिए एक रफ सीट मिलता है, उस रफ सीट के ऊपर अपना हॉल टिकट नंबर एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ रहेगा, तो रफ सीट के ऊपर भी वही सेम एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है ना, हॉल टिकट नंबर, नेम और ये सब चीज़ें लिख देनी है, वो लोग आपको बता भी देंगे। नाम और टिकट नंबर जो है आपको वो लिखना है, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है ना, तो वो रफ पेपर लेके भाग नहीं जाना है, घर पर नहीं ले जाना, ठीक है। वो रफ पेपर को वहाँ पर एक बॉक्स दिया रहेगा, उस बॉक्स में जमा करना है, अगर नहीं जमा करते हो तो आपका देखो आपको डिसक्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है, तो उसको लेके भाग मत जाना, जमा कर देना होगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पैरा नंबर 3 कह रहा है कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड आधार, देखो ये क्या कह रहा है, आधार कार्ड से रिलेटेड है। जिन लोगों ने आधार नंबर दिया है, ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड पे आधार नंबर शो हो रहा है, तब तो आपको बिल्कुल भी आपको आधार लेके जाना है, ठीक है, ओरिजिनल आधार लेके जाना होगा। किसी किसी के पास डाउनलोडेड आधार है, चलो वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि फोटो कॉपी करा के कागज़ पे फोटो स्टेट करा के मत ले जाना, आधार कार्ड होना चाहिए। अब देखो, जो बच्चे जम्मू कश्मीर या आसाम से हैं या फिर मेघालय से, उनके पास सिर्फ उन्हीं को वैलिड दिया गया है कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो दूसरी वैलिड आईडी लेके जा सकते हो फेज़ 1 एग्ज़ाम में, बस यही दिया गया है पैरा 3 में। पैरा 4 में लिखा गया है, पैरा 4 के अंदर क्या लिखा गया भाई, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वायरलेस डिवाइस, मतलब समझ गए ना, जितने भी फालतू के डिवाइसेस हैं जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, मोबाइल, कैलकुलेटर, रेडियो, ये सब, वो सब कुछ भी लेके नहीं जाना है, जैकेट वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाना है। और हाँ, ज़्यादा पेटू वाला काम नहीं करना, वहाँ पे खाना वाना कुछ भी लेके नहीं जाना है, फूड ड्रिंक्स ये सब कुछ नहीं।
अब वो क्या लेके जाना है वो चीज़ मैं नीचे बता दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पैरा नंबर 5 में लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर टू ऑक्यूपाई ओनली द सीट, मतलब बोल रहा ना यहाँ पे, इस पैराग्राफ को मैंने ऑलरेडी पढ़ा है सभी को बहुत अच्छे से, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको कि इसके अंदर बोला गया है कि आपको जो वहाँ पे सीट आपको मेंशन किया रहेगा कि आपको इस सीट पे बैठना है, ठीक है, तो बस अपने ही सीट पे बैठना है, किसी और पे बैठ जाते हो या फिर किसी और से बात करते हो तो प्रॉब्लम होगा। और साफ साफ ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स फाउंड इंडल्जिंग इन द अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन शैल बी डिवेरिड परमानेंटली, मतलब अगर किसी और स्टूडेंट के साथ डिजल्ट हो जाते हो, इंडल्ज हो जाओ, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, इसका मतलब होता है किसी और से बातचीत कर रहे हो, ठीक है, जो भी लफड़ा फड़ा कर रहे हो कुछ भी, तो आपको परमानेंटली वहाँ पे डिवेरिड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा और कभी भी आप एयरफोर्स का एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो कोशिश करना है कि हमको अपने एग्जाम से मतलब रखना है, किसी और से बात नहीं करना सेंटर के अंदर। फिर कुछ पैरा नंबर 6 कह रहा है क्या, नो ओरिजिनल और फोटोग्राफ ऑफ द एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मतलब किसी भी टाइप का एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है वहाँ पे, चाहे वो ओरिजिनल हो चाहे फोटोकॉपी हो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाना है, सिर्फ अपने एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है, एक वैलिड आईडी लेके जाना है, आधार कार्ड, साथ में क्या ले जाना है, प्लीज़ कैरी वन ट्रांसपेरेंट ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन लेना है, ठीक है ना, जिससे कि आपको सिग्नेचर करना हो और या फिर रफ पेपर करना हो इस सब चीज़ों के लिए, तो अपना पेन लेके जाना है और पेन कलरफुल नहीं, ट्रांसपेरेंट, मतलब एक साइड से दूसरे साइड उसकी बात दिखनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपको फ़ोटो वगैरह लेके जाना है, और रिपोर्टिंग टाइम के 15 मिनट के बाद बहुत उस अगर बाद पहुँचते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मान लो जिसका टाइम है अगर 11 बजे तो आपको 11:15 के बाद रिपोर्टिंग नहीं होगा, अगर 11:30 टाइम है तो 11:45 के बाद एंट्री नहीं होगी, ठीक है। और साथ में 2 फोटो भी ले जानी है, क्या क्या ले जाना है, एक एडमिट कार्ड लेके जाना है कलर प्रिंट करा के, ठीक है, और एक क्या करना है भाई, 2 फोटो ले जानी है, वही फ़ोटो जो एडमिट कार्ड पे दिए हुए हो, अगर गाइज अगर वो फ़ोटो खो गया है तो एडमिट कार्ड का PDF डाउनलोड कराना, उसी से फ़ोटो कट करा के निकाल लेना, बस ये कैफे वाले निकाल देंगे, स्टूडियो वाले। साथ में क्या ले जाना है आपको, एक ID ले जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है, मतलब वही ID के जगह पे आधार कार्ड लेके जाना है। अब यहाँ पे बोला गया है प्लीज़ प्रिजर्व एडमिट कार्ड ड्यूली स्टैम, मतलब वहाँ पे जो मतलब एडमिट कार्ड ले जाओगे उस पर सिग्नेचर और साइन किया रहेगा वहाँ पे AFOs के ऑफिसर्स का, ठीक है, मतलब सेंटर का, और वही Phase 2 के अंदर आपको एडमिट कार्ड भी लेके जाना होगा, इसलिए Phase 1 के एडमिट कार्ड बहुत अच्छे से संभाल के लिए रखना होगा जिसपे कि साइन और मुहर किया हुआ रहेगा। बस ये बोल रहा है क्या, अपडेट्स रिलेवेंट टू स्टार विल बी अपलोडेड, मतलब इसके अलावा जो अपडेट है वो क्या है, आप मतलब साइट पे अपलोड किया जाएगा, उससे अब कोई मतलब है नहीं हमको। अब एग्जामिनेशन गाइडलाइन देखो क्या क्या दी गई है, ड्रेस कोड, इस वीडियो के अंदर सब चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा जल्दी जल्दी बता के, बिल्कुल भी सही सही चीज़ें बता रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 बार सब कुछ पढ़ लिया है। देखो ड्रेस कोड कह रहा है कैसे ड्रेस पहन के जाना है यहाँ पे, ऑन द एग्जाम डे कैंडिडेट्स विल बी हैव टू वियर स्लीपर्स सैंडल्स, मतलब आपको ऐसा कुछ भी नहीं पहन के जाना है नीचे से कि जो चीज़ पैक हो, मतलब जूता नहीं पहनना है, शूज नहीं पहनने हैं, सैंडल पहन सकते हो, स्लीपर पहन सकते हो, जैसे हमारा शूज़ क्या होता है, बिल्कुल भी पैक होता है, हम उसमें फ़ोन चुरा सकते हैं, किसी भी टाइप का गैजेट चुरा सकते हैं, उस टाइप का चीज़ पहन के नहीं जाना है, वो बिल्कुल आपके पैर दिखने चाहिए, ठीक है, उस टाइप की चीज़ें पहन के जानी है आपको। अभी देखो लाइट क्लोथ पहन के जाना है, ठीक है, मतलब हल्का कोई कपड़ा पहनना है जो कि कैसा हाफ हो, ठीक है ना, स्लीव्स हो, लॉन्ग स्लीव्स हो, जैकेट्स नॉट परमिटेड, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब जो भी मान लो आपके पास क्लोथ है, मतलब पूरा फुल बाजू का, वो पहन के नहीं जाना है, जैकेट पहन के नहीं जाना है, तो हाफ ही पहन के जाना है आपको, ठीक है ना, लाइट क्लोथ विथ फुल स्लीव्स, लॉन्ग स्लीव्स, जैकेट्स आर नॉट परमिटेड, ठीक है ना, आपको जैकेट वगैरह, अब तो ठंड का मौसम है नहीं जैकेट कोई पहनेगा, तो फिर भी शर्ट पहनते हैं ना, तो फुल स्लीव वाला, मतलब फुल बाजू वाला नहीं पहन के जाना है, अगर किसी के पास हाफ है ही नहीं तो फुल बाजू वाले को काट के बना दो हाफ, कुछ नहीं करना है, एग्जाम देने से मतलब रखना, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, क्लोथिंग विद अ लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड, मतलब जो लार्ज बटन वाले क्लोथ होते हैं पूरा, तो मतलब फैशन वाले स्टाइलिश, तो वो सब नहीं पहन के जाना है। फिर कह रहा है दोज हु वियर द स्पेसिफिक अटायर, मतलब जैसे यहाँ पे जो बहुत सारे ये रिलीजियस से रिलेटेड मतलब दिया गया है पैरा में इसमें, कि मान लो बहुत सारे हमारे इंडिया में क्या है रिलीजन है, जैसे एक सिख रिलीजन है जहाँ पे लोग पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, तो वो पगड़ी अगर पहन के जाते हैं तो उनको मना नहीं किया जाएगा, बट लेकिन उसको चेक जरूर किया जाएगा, ठीक है ना, प्रेसकिंग रूम में ले जाके उनको चेक किया जाएगा, कहीं कोई गैजेट वगैरह तो ले नहीं ले रहा ना, तो ये सब चीज़ें जरूरी है, तो बस चेक होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको निकलवा के हटा दिया जाएगा, नहीं, तो अपने रिलीजन से रिलेटेड जो चीज़ है वही पहन के जाना है, फालतू नहीं। अभी देखो शर्ट टी शर्ट कुर्ताज विथ पॉकेट आर नॉट परमिटेड, देखो कोई भी शर्ट पहन रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो या फिर कुर्ता पहन रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, लेकिन उस पर अगर पॉकेट है तो वो परमिटेड नहीं है।
अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर इटिक्वेट्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब वही सब चीज़ें जो ऊपर दी गई है, बहुत बार ये सब दिमाग खराब कर रहे हैं कि चीज़ को 10 बार देखे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाना है, ब्लूटूथ माइक्रोफोन हेडफोन, मतलब गाना वाना नहीं सुनना है जाके वहाँ पे, नॉट अलाउड टू, मतलब अपनी घड़ी नहीं, रिस्ट, जो रिस्ट वॉच होती है ना हाथ में, घड़ी, ब्रेसलेट, या फिर किसी भी टाइम के पूजा वाली धग्गी, या फिर फैशन में कोई भी चीज़ धग्गी वगैरह पहने हो, कैप, मतलब जो टोपी वगैरह, मतलब पर्स वगैरह, हैंडबैग वगैरह, कुछ भी सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकते, बाहर ही रखना पड़ेगा आपको। खाने की चीज़ें कुछ भी नहीं ले जा सकते, चॉकलेट वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते, बस ये बॉटल्स आर नॉट अलाउड, वाटर बॉटल्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जाम सेंटर, ठीक है। अभी देखो गाइस, बाद में लिखा है एक जगह कि वाटर बॉटल अलाउड है, मैं बताऊँगा कहाँ क्या है, क्या लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे लिखा है कि नॉट अलाउड, यहाँ पे क्या करना है मैं सब कुछ क्लियर करूँगा। डिजिटल और टेक्सटुअल मटेरियल इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, मतलब समझ गए ना, कुछ भी लेके नहीं जाना है दो तीन चीज़ के अलावा। ओनली एडमिट कार्ड विल बी अलाउड एग्जाम, मतलब एग्जाम हॉल के अंदर बस एडमिट कार्ड जो है अलाउड है, और लेकिन अगर कोई फेक एडमिट कार्ड लेके जाता है तो उसको फिर पकड़ के थूरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट विल बी ऑल्सो अलाउड टू कैरी ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, वही चीज़ जो मैंने बताया कि पेन ले जाना है, बॉल पेन चाहिए, जेल पेन नहीं। अब यहाँ पे एनी काइंड ऑफ स्टेशनरी आइटम सच एज पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब चीज़ें, कैलकुलेटर, स्कैनर नहीं ले जाना है, बस वही सब चीज़ें दी गई है। ब्लैक पेपर फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड, ब्लैंक है ये, मतलब अंदर में आपको एक ब्लैंक पेपर दिया जाएगा, सादा पेपर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, हॉल टिकट नंबर लिख देना है ऊपर में ही उसके, और फिर बाद में उसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद है COVID-19 इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, ये भी चीज़ मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। अब इसमें भी वही चीज़ बार बार लिखी गई है, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन, जितने भी ऊपर चीज़ें हैं, मतलब मास्क पहन के जाना है आपको, फेस कवर करके जाना है, सैनिटाइजिंग करके जाना है, सैनिटाइजर, और पब्लिक में जा रहे हो तो पूरा घुसम घुसी करके नहीं जाना है, सट सट के, चिपक चिपक के नहीं जाना है। अब यहाँ पे बोला गया है इंस्टॉलेशन एंड यूज आरोग्य सेतु ऐप इज मैंडेटरी वाइल ट्रैवलिंग बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बोला गया है कि मैंडेटरी है आरोग्य सेतु ऐप, ये पिछली बार भी था लेकिन ऐसा नहीं है सारे बच्चे के पास, ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड लेके जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है कि आरोग्य सेतु बोला गया कि मेन गेट पे चेक होगा, लेकिन हर जगह हुआ नहीं था, मतलब ये चीज़ कहीं नहीं हुआ था, पिछली बार भी ये चीज़ दिया हुआ था बट ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि सभी के पास फ़ोन तो होता नहीं है, कहानी ख़त्म करो, अगर है आपके पास फ़ोन तो आरोग्य सेतु रख लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा इसके अंदर। अब थ्री में क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स, मतलब क्या बोल रहे हैं, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, 50 ml वाला लेके जाना है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, अभी मैंने बोला था ना कि ऊपर में लिखा हुआ था वाटर बॉटल नहीं ले जाना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है, वहाँ पे अगर लिख देते ना कि वाटर बॉटल अलाउड है तो बहुत सारे लोग कलरफुल बोतल ले जाते हैं, इसलिए वहाँ पे मना करके नीचे लिखा गया है कि एक ऐसा बोतल ले जाना है कि हमको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बोतल के बाहर से पानी नजर आ रही हो, ठीक है, इस पार से उस पर दिख रहा हो, तो वो पानी का बोतल ले जाना है अपने को, ठीक है। और गाइस एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पानी का बोतल जो दिया जाता है वो मत यूज़ करना, अपना लेके जाना ट्रांसपेरेंट वाले, जो रेलवे वगैरह में नहीं बिकती है 10-15 रुपए की, वो ले लेना और उसकी रैपर को फाड़ के फेंक देना, अपना बोतल यूज़ करना, क्योंकि देखो एग्ज़ाम देने जा रहे हो और फ्री का पानी मिलेगा तो फिर फ्री का कोरोना भी मिलेगा साथ में, ठीक है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं उसको, तो वो सब चीज़ें मत ले जाना। अब देखो बहुत सारे लोग सोचेंगे चलो फ्री का कुछ भी मिला उठा के ले चलो, तो फिर महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, तो बोतल वगैरह अपना यूज़ करना। अब गाइज यहाँ पे देखो, बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल दे रखा है, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट फिल द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एग्जाम में एंट्री से पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना है, आप इसको घर से भी करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और एडमिट कार्ड के साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है ना। और ऐसे तो वहाँ पे भी देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, एग्जाम सेंटर पे भी देते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, बट फिर भी आप पहले से करवा के ले जाना। बस वही चीज़ दी गई है कि भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, कैंडिडेट्स आर, मतलब ठीक है वहाँ पे जो मार्क किया रहेगा वहीं मार्क के अंदर सर्कल के अंदर खड़ा होना है, लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं है वो लोग, ठीक है ना, मतलब आपको डिस्टेंस बनानी है, वो सी भी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। खाने की चीज़ें नहीं ले जानी है वहाँ पे, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर मतलब फालतू की घूमने वूमनी नहीं है, गैदरिंग नहीं करनी है, भीड़ भाड़ नहीं करनी है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, 6 feet की बोल रही है फ्रॉम ईच अदर ऑल द टाइम्स, मतलब 6 feet की दूरी बनाए रखो, पता चलेगा कि धरती कम पड़ जाएगा। अभी आगे देखो क्या गाइस, यहाँ पे सैनिटाइजर हैंडबैग वगैरह लेके जानी है, बस ये चीज़ें हैं। और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको पूरे एग्ज़ाम के दौरान मतलब मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, कंप्यूटर छूने से पहले ये चीज़ याद रखना, कंप्यूटर छूने से पहले सैनिटाइजर। अब इसके अंदर हम लोग सीधे चलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बाद, ठीक है, तरफ। अब आफ्टर एग्जामिनेशन दे रखा है कि कंप्लीटिंग द शिफ्ट, मतलब आपको
मतलब ऑर्डर में जाना है बाहर, सीट वगैरह जमा कर देना है, कुछ भी धक्का मुक्की नहीं करना है। अब हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की तरफ चलेंगे और ये सब चीज़ें जो दी गई हैं आपको पता होगा कि आपका, देखो गाइस, अपने टाइम से जाना है, जो भी टाइम है आपका एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर आपका वहाँ पे देखा जाएगा, अगर बॉडी टेम्परेचर 37.4 डिग्री से ठीक है अगर है, ठीक है तो चलो ठीक है, वेरिफिकेशन या फिर 37.4 डिग्री है या फिर इससे कम है तो वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा, मतलब आपका प्रोसेस किया जाएगा, सब कुछ एग्ज़ाम दिया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा होता है, 37.4 डिग्री से ज़्यादा होता है या फिर 99.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहता है तो आपको 10-15 मिनट के लिए आइसोलेशन के लिए, मतलब चुपचाप बैठा दिया जाएगा साइड में, ताकि थक उक क्या हो तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाएगा, तब जाके एग्ज़ाम दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो अगर फिर भी मान लो फीवर वगैरह लग जाता है तो दिया हुआ है, इफ़ नॉट दे आर टू बी अलाउड टू टेक द एग्जामिनेशन अलोन इन अ सेपरेट रूम, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको एक सेपरेट रूम में एग्जाम दिया के लिए भेजा जाएगा, एग्जाम से भगाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। कैंडिडेट आर टू डिस्प्ले एडमिट कार्ड वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, मतलब आपका आईडी ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है ना। अपने सीट पे बैठना होता है और ये सब चीज़ें दी गई है, मतलब बोल रहा है कि इंश्योर कम्स द वेरिफिकेशन बैचेस 10 and 5, मतलब ये रूल बताया गया है आपके लिए नहीं है, उनके लिए, ठीक है ना, कि मतलब 10 को 5 को 5 को करके इस तरीके से छोड़ना है, पकड़ना है। अब आगे हम लोग चलते हैं गाइस, सेल्फ डिक्लेरेशन को कैसे फिल करना है वो सब चीज़ें देख लेते हैं। देखो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर कुछ कुछ नाम वगैरह दिया रहा था तो मैंने हटा दिया उसको, किस तरीके से जो फिल करना है आपको नीचे फिल करना है। इसमें दे रखा है फर्स्ट में, डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स, मतलब किसी भी टाइप का सिम्टम है, अगर आपको फीवर है, ठीक है ना, आपका क्या बोलते हैं वो, अगर आपकी टेम्परेचर 38 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा है तो यस पे टिक करो, नहीं है आपकी फीवर नहीं है तो नो पे टिक करना, ठीक है। आपके गले में कफ है, ठीक है, कफ जम जाता है तो यस करो, नहीं तो नो करो, ठीक है। अगर आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। अगर आपके गले में खसखस है तो यस करो, अदरवाइज नो करो, या फिर कुछ और भी है तो यस करो, अदरवाइज नो करो। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं है तो नो 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 करके निकल लेना, और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले कुछ ठंडा चीज़ मत खाना क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाता है। अब गाइस एक चीज़ दे रखा है, आई हैव बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट, मतलब देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि एग्ज़ाम के पहले आप लोग पिछले 14 दिन के अंदर किसी ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में आए हो जिसको कोरोना वायरस हुआ है, अगर आए हो तो यस करो, नहीं आए हो तो नो पे टिक करो। तो ऑब्वियस है कि आप नहीं गए होगे किसी कॉन्टैक्ट में तो नो कर देना, ठीक है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, डेट लिख देना है, अपना प्लेस लिख देना है जहाँ से गए हो वहाँ का नाम। अब नीचे नो रिस्क सर्टिफिकेट है, ये क्या करना है देखो, इसको भी प्रिंट आउट कराना है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप अपना नाम, आई मिस्टर, मान लो मैं हूँ धीरज कुमार तो मैं लिखूंगा धीरज कुमार, सन ऑफ मतलब फादर का नाम लिखूंगा यहाँ पे, किसका मैं बेटा हूँ उनका फादर का नाम लिख दूंगा। इसके बाद अपना रोल नंबर लिखूंगा, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो डेट, ठीक है, और अपना सिग्नेचर करूंगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, साथ में क्या करेंगे, डेट फिर से लिखेंगे और पेरेंट्स का सिग्नेचर कराएंगे। अब ये नो रिस्क सिग्नेचर क्या है, ये कहता है क्या कि अगर आप एग्ज़ाम देने आए हो और आपको किसी कारणवश कोरोना वायरस हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी किसी भी टाइप से गवर्नमेंट या फिर इंडियन एयरफोर्स की कुछ भी नहीं है जिम्मेवारी, वो आपका है, ठीक है, और कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपकी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहे हो कि आप ठीक ठाक से जा रहे हो एग्ज़ाम देने, आपको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के हम लोग ला नहीं रहे कि आप एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। तो जो भी चीज़ें थी इसके अंदर मैंने शुरू से एंड तक बता दी, अब कुछ भी है नहीं। और जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा, परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जाके टेस्ट सीरीज लगाओ, एग्ज़ाम की तैयारी करो, और एक ही वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बता दिया, अब इधर उधर वीडियो मत देखना फालतू की, टाइम वेस्ट होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब एक ही टॉपिक पे 10 वीडियोज़ बनाएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे भरें, आरोग्य सेतु ऐप यूज़ करो, मतलब बिना मतलब का टॉपिक का वीडियो बनेगा। तो उन सब चीज़ों से बचना, सीधे पढ़ाई पे फोकस करना और जाके टेस्ट सीरीज लगाना, और नीचे कोड दिया एग्जाम 2050, इसको यूज़ करके 50% का डिस्काउंट ले लेना।